चेक करके दे जिसको हम दे रहे हैं वेरिफिकेशन। याद रखिए जब हम किसी को दे रहे हैं और अगर कोई मांग रहा है तो आज के इस दौर में हमें वेरिफिकेशन करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, हालांकि उसके बावजूद भी आपने कभी कोई वेरिफिकेशन किया है। जैसे एक मरतबा दो सेहतमंद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा हम ज़कात के मुस्तहिक, आपने कहा तुम हट्टे कट्टे हो, जाओ और कमाओ, मेहनत करो। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लेकिन मांगोगे तो दूंगा, लेकिन तरगीब यह कि जाकर कमाओ, लेकिन मांगोगे तो दूंगा। उन्होंने कहा हम फिर भी आपसे मांगते हैं और अल्लाह के रसूल ने दिया। इसे पता चला कि वेरिफिकेशन तब भी थोड़ा सा हुआ, दिख रहे थे अच्छे तो क्यों काम नहीं करते, कहा गया कि उन्होंने कहा काम करते फिर भी उतना नहीं कमा पाते, तो आपने दिया, वेरिफिकेशन तो हुआ थोड़ा सा। लेकिन आज के इस दौर में मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन की सख्त जरूरत है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने इसको जिंदगी का मामूल बना लिया और कई खानदान के खानदान ऐसे जो सिर्फ लोगों की कमाई पर खाने को अपने आप को वाजिब समझते बैठ कर खाना, और वो सिर्फ किसी की इनकम पर डिपेंड होकर खाते रहते हैं, जिंदगी भर कमाते नहीं। इस्लाम ने कमाने को बड़ी अहमियत दी है और सख्त मजम्मत की गदागिरी, भिकमंगी और मांगने को बिना वजह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो शख्स रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने हाजिर होगा तो उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो शख्स दुनिया में बिना वजह लोगों से मांगा करता है। ठीक है, तो बहरहाल वेरिफिकेशन जरूरी है भाई आज के दौर में, आप पता लगा ले कि क्या जरूरत। अच्छा, वेरिफिकेशन के साथ साथ जरूरत भी क्या है मालूम कर ले, वरना पता चला आदमी तो मुस्तहिक है लेकिन लगा कहाँ रहा है, गैर शरई चीजों में, फालतू रसूमात में। आजकल हो रहा है, घर पे एक आदमी बीमार है, उसकी बीमारी को छोड़कर रसम में पैसा खर्च किया जा रहा है, तो रसम भी जरूरी है। ये भी है कि मतलब एक तो मुस्तहिक है नहीं है वो वेरिफिकेशन, सेकंड जिस चीज के लिए मांग रहा है क्या वो चीज जेन्युइन है, नहीं वो भी वेरीफाई कीजिए, वरना लोग पता नहीं क्या क्या चीजों के लिए मांगते हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे भूख से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, उनकी मदद की जरूरत है, तो मैं कहूंगा हाँ वेरिफिकेशन आप जरूर कर ले, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आप स्पाई मत बन जाइए, मतलब हर जगह जाके बिल्कुल तजस्सुस के साथ कुरेद कुरेद कर, बट इन जनरल सेंस हो सकता है वेरिफिकेशन पड़ोसियों से, उनके भाइयों से, उनके आसपास के लोगों से, खुद कभी चले गए जो उन्होंने कहा हमारा घर गिर जा रहा आप बना दीजिए, आप चले गए जाके देखा घर तो अच्छा खासा, नहीं वो फॉल्स सीलिंग डालना था खूबसूरत में देख रहा बोल के मांगने आ गए था, लेकिन आप हमारा घर गिर जा रहा लेकिन घर तो गिर रहा ही नहीं, तो ये तो जनरल है आप चले गए देख लिया मालूम हो गया। ठीक है, और कोशिश ये